सोलन में शिमला संसदीय क्षेत्र का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग लगने जा रहा है। इस अभ्यास वर्ग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत अन्य मंत्री और पदाधिकारी भी भाग लेंगे। इस अभ्यास वर्ग में शिमला, सोलन और सिरमौर के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। शिविर में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर मंथन भी किया जाएगा। जिला महामंत्री भरत साहनी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि इस अभ्यास वर्ग में कुल 10 विषय रखे जाएंगे। शिविर के सफल आयोजन के लिए 14 समितियों का गठन किया गया है और प्रत्येक समिति का एक प्रमुख भी नियुक्त कर दिया गया है। भरत साहनी ने बताया कि भाजपा को मजबूत करने के उद्देश्य से सोलन में अभ्यास वर्ग लगाया जा रहा है, जिसमें भाजपा के पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल समेत कई वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यास वर्ग भाजपा की जीत की नींव होती है, जो कल सोलन में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 2022 के लिए क्या लक्ष्य लेकर चल रही है और कैसे हासिल करना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। आज जो ये प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई, वह आगामी जो हमारा अभ्यास वर्ग और प्रशिक्षण वर्ग है, जो कि शिमला पार्लियामेंट्री का सोलन में लगना जा रहा है, 24 व 25 तारीख को शिमला पार्लियामेंट्री का ये अभ्यास वर्ग होटल शगुन पैलेस में होगा। इसमें प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व अनर पवन राणा जी, संगठन मंत्री व हमारे समक्ष यहाँ के MLA पार्लियामेंट्री के और बड़े अधिकारी और पदाधिकारी इस अभ्यास वर्ग को आएंगे और वह लेंगे भी। और हमारे बीच में जो पार्लियामेंट्री के कार्यकर्ता है, जैसे कि जिला अध्यक्ष हुए, जिला के महामंत्री हुए, मोर्चों प्रकोष्ठों के प्रदेश के सदस्य और जिला के अध्यक्ष हुए और अन्य बड़े पदाधिकारी इस अभ्यास वर्ग में यहाँ पर रहेंगे। और इस अभ्यास वर्ग का लगाने का औचित्य 2022 में जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के भी है, और पार्टी का इतिहास और जो अभी तक का वर्तमान का कार्यकाल है उसके बारे में संगठन की कुछ जानकारियां सभी पदाधिकारियों को वहां पर दी जाएंगी।